नर्मदा हाट पिपलिया माइक्रो सिंचाई परियोजना के लिए लंबे समय से प्रयासरत कांग्रेस नेता पंडित रितेश त्रिपाठी द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति मिलने के बाद शनिधाम लकुमणि में प्रसाद वितरण एवं दर्शन किए। इस दौरान यहां पर उनके साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस जन एवं सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हम सभी लकुमणि शनिदेव धाम पर इसलिए आए हैं कि जब देवास जिले के 462 की हाड़ पिपलिया नर्मदा माइक्रो सिंचाई परियोजना की स्वीकृति सरकार द्वारा नहीं दी जा रही थी, तो हम यहाँ संकल्प लेके गए थे जब पदयात्रा कि शनिदेव हमारे साथ न्याय करे देवास जिले के अन्नदाता किसान बंधुओं के लिए, और हमको नर्मदा का जल जो हमारा अधिकार है सिंचाई के लिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ से हमने संकल्प लिया था पदयात्रा के लिए, वो हमारी मनोकामना बीच रास्ते में आस्था तक पहुँचे और पूर्ण हो गई थी, पर पदयात्रा जारी रही। पर सोनकच विधानसभा के 65 गांव और खातेगांव विधानसभा के 117 गांव अभी भी छूटे हुए हैं, और नदी हमारे नर्मदा नदी हमारे जिले के सीमा से होकर गुजर रही है, तो पहला हक पानी का हमारा बनता है। तो हम इस सरकार को वापस जगाने के लिए जो सोतेला व्यवहार सोनकच विधानसभा के नागरिकों के किसान अन्नदाता बंधुओं के साथ किया गया है, तो आज फिर हमने पूर्ण पूर्व की जो हमारा संकल्प था उसका प्रसादी वितरण के लिए आए थे, और अब नया संकल्प आज गुड़ी पड़वा सनातन धर्म के का पहला दिन है, आज 9 वर्ष का सनातन धर्म को मानने वालों के लिए नया वर्ष गुड़ी पड़वा को माना जाता, तो आज शनिदेव के शरण में वापस हम आए हैं कि हमारे साथ न्याय और सोनकच विधानसभा और खातेगांव विधानसभा के गांव पुनः जोड़े जाएँ, क्योंकि नर्मदा हाड़पिपलिया सिंचाई परियोजना के बाद पानी शेष नहीं बचेगा। 2024 जनवरी में गुजरात पानी चला जाएगा मध्य प्रदेश के हिस्से का, तो इसकी जो निविदा लगाने से पहले सोनकच विधानसभा के भी 65 गांव जोड़े जाएं, और देवास विधानसभा के जो 72 ग्राम पेयजल के लिए छूट गए हैं, टंकियां बन रही है, तो उन 72 गांव को भी नर्मदा शिप्रा बहुउद्देशी परियोजना में जोड़ा जाए, इसका आज हमने शनिदेव के शरण में संकल्प लिया है। और इस दौरान हमारे वरिष्ठ कांग्रेस के नेता और शनिधर्म के लिए लगातार कार्य कर रहे श्री रमेश चंद जी सांवलिया और जामगोद दरबार हम सबके आदरणीय श्री दिगपाल सिंह जी और मनोहर कुमारिया जी और सब साथी लोग आए हुए हैं, और सोनकच विधानसभा के ग्राम भी जल्दी जुड़े। पंडित रितेश